हेलो गाइस, दिस इज प्रीति। शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ। ये हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 9th है। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्रिस्टोफेल स्प्लिटिंग डायग्राम्स देखे थे डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्रीज के लिए। अब ये डायग्राम्स आपको लर्न होने चाहिए क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली आजकल क्वेश्चंस बनते हैं। आपको ज्योमेट्री दी हुई होगी या फिर कोई कॉम्प्लेक्स दिया हुआ होगा और पूछा जाएगा कि हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल कौन से होंगे, लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल्स कौन से होंगे, या हाईली स्टेबल्ड ऑर्बिटल कौन से होंगे, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी जाएगी। तो ये सारे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हो जब आपको क्रिस्टोफेल स्प्लिटिंग डायग्राम्स आते हों। क्रिस्टोफेल डायग्राम्स, स्प्लिटिंग डायग्राम्स हम कैसे ड्रॉ करेंगे, इसके लिए मैंने ट्रिक्स भी आपको कल अच्छे से बताए थे। अगर आपने एक दो बार भी प्रैक्टिस करी होगी तो डायग्राम्स इजीली ड्रॉ कर सकते हो। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में जो डायग्राम होता है उसके जैसा ही क्यूबिक का होगा, बस यहाँ पे क्यूबिक की क्रिस्टोफेल स्प्लिटिंग की वैल्यू ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल के जैसा ही डूडेकाहेड्रल का डायग्राम होता है। टीबीपी एंड पीबीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शन का क्या मतलब है कि एक जैसे ही डायग्राम्स है। हेलो गाइस, दिस इज प्रीति। शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ। ये हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 9th है। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्रिस्टोफेल स्प्लिटिंग डायग्राम्स देखे थे डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्रीज के लिए। अब ये डायग्राम्स आपको लर्न होने चाहिए क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली आजकल क्वेश्चंस बनते हैं। आपको ज्योमेट्री दी हुई होगी या फिर कोई कॉम्प्लेक्स दिया हुआ होगा और पूछा जाएगा कि हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल कौन से होंगे, लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल्स कौन से होंगे, या हाईली स्टेबल्ड ऑर्बिटल कौन से होंगे, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी जाएगी। तो ये सारे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हो जब आपको क्रिस्टोफेल स्प्लिटिंग डायग्राम्स आते हों। क्रिस्टोफेल डायग्राम्स, स्प्लिटिंग डायग्राम्स हम कैसे ड्रॉ करेंगे, इसके लिए मैंने ट्रिक्स भी आपको कल अच्छे से बताए थे। अगर आपने एक दो बार भी प्रैक्टिस करी होगी तो डायग्राम्स इजीली ड्रॉ कर सकते हो। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में जो डायग्राम होता है उसके जैसा ही क्यूबिक का होगा, बस यहाँ पे क्यूबिक की क्रिस्टोफेल स्प्लिटिंग की वैल्यू ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल के जैसा ही डूडेकाहेड्रल का डायग्राम होता है। टीबीपी एंड पीबीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शन का क्या मतलब है कि एक जैसे ही डायग्राम्स है। पेंटागनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री एंड स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक ज्योमेट्री इन्वर्सली रिलेटेड टू ईच अदर हैं। इन्वर्सली रिलेटेड टू ईच अदर का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो हाईएस्ट एनर्जी वाला ऑर्बिटल होगा स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक में, वो लोएस्ट एनर्जी वाला ऑर्बिटल होगा। यहाँ पे दो ज्योमेट्रीज और ऐड कर लो कि लीनियर, जो लीनियर ज्योमेट्री होगी, एंड ट्रायगोनल प्लेनर, ये भी इन्वर्सली रिलेटेड हैं। ट्रायगोनल प्लेनर, ठीक है। आज हम क्वेश्चन के साथ शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सीएफएस। सीएफएस का ऑर्डर हमें फाइंड आउट करना है डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्रीज के लिए। मतलब हमें यहाँ पे डेल्टा एस, डेल्टा एस पी स्क्वायर पिरामिडल, डेल्टा फोर ऑक्टाहेड्रल, डेल्टा फोर टेट्राहेड्रल एंड डेल्टा फोर क्यूबिक, इसका ऑर्डर फाइंड आउट करना है। डेल्टा फोर टेट्राहेड्रल की वैल्यू सबसे कम होती है, या आप कैसे पता लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस की ही फॉर्मेशन होती है। उसके बाद आएगा डेल्टा फोर क्यूबिक। अगर हम इनका कंपैरिजन स्क्वायर पिरामिडल एंड स्क्वायर प्लेनर का कंपैरिजन डेल्टा फोर ऑक्टाहेड्रल से करें तो इनके केस में मोस्टली आपको लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस ही देखने को मिलते हैं, बट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के केस में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस भी मिलते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस भी मिलते हैं। मतलब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की जो क्रिस्टोफेल स्प्लिटिंग की वैल्यू होगी वो कम होगी इन दोनों के कंपैरिजन में। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्क्वायर प्लेनर की होती है। उसके बाद आएगा आपके पास स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री के लिए क्रिस्टोफेल स्प्लिटिंग की वैल्यू। उसके बाद डेल्टा फोर ऑक्टाहेड्रल आ जाएगा, देन आपके पास डेल्टा फोर क्यूबिक, देन डेल्टा फोर टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो ऐसे आप अरेंजमेंट फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर दिस कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करनी है। तो इस कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कहाँ से हुई होगी, एन आई सी एन फोर, टू नेगेटिव में एक साइनाइड आयन ऐड किया हुआ होगा, तब ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हुई है। मतलब ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री से हुई है। तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री से फॉर्मेशन हुई है तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, स्क्वायर पिरामिडल। अब स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री के लिए आपको क्रिस्टोफेल स्प्लिटिंग डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कैसे डायग्राम हम ड्रॉ करते थे, ऑक्टाहेड्रल से। सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल के लिए ड्रॉ करो,
ऑक्टाहेड्रल के केस में यहाँ पे लोएस्ट एनर्जी में होते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी जी एक्स ऑर्बिटल्स। उसके बाद यहाँ पे हाईएस्ट एनर्जी पे होते हैं डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू डी जी स्क्वेयर ऑर्बिटल। ऑक्टाहेड्रल से स्क्वेयर पिरामिडल की फॉर्मेशन आप कैसे करोगे, एक लीगेंड अलोंग द जी एक्सिस रिमूव हो जाएगा, मतलब अलोंग द जी एक्सिस अब रिपल्शन कम हो रही है तो जी कंपोनेंट वाले जो भी ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे ये डी जी स्क्वेयर आ जाएगा एंड डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक है। और इसके केस में भी जो z कंपोनेंट वाले ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास डी एक्स वाई एंड यहाँ पे आ जाएगा एक्स जी इज इक्वल टू डी वाई जी। अब यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करनी है, तो निकल यहाँ पे प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में है, प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में मतलब 3d में हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने होंगे। ये आप जनरली लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस की ही फॉर्मेशन करते हैं, तो यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पे फिल कर लिए। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे देखो डी एक्स जी इज इक्वल टू डी वाई जी, इन दोनों के केस में 2-2 ऑर्बिटल्स 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, उस इनकी लोएस्ट एनर्जी है। देन आपके पास डी एक्स वाई आता है, इसके केस में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। देन आपके पास डी जी स्क्वेयर आएगा, ठीक है, इसके केस में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब उसके बाद हाईएस्ट एनर्जी में डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ऑर्बिटल है। तो ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं, विच इज टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन, जिसको जॉन टेलर डिस्टॉर्शन भी बोला जाता है। टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन होती क्या है, कभी कभी कुछ कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल डिस्टॉर्शन शो करते हैं, कॉम्प्लेक्सेस विद सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्योमेट्रिकल डिस्टॉर्शन शो करेंगे, उसको टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन बोला जाता है। अब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री वाले कॉम्प्लेक्सेस इस टाइप की डिस्टॉर्शन शो कर सकते हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वाले कॉम्प्लेक्सेस शो कर सकते हैं, स्क्वेयर प्लेनर ज्योमेट्री वाले कॉम्प्लेक्सेस टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन शो नहीं करेंगे। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के केस में जब ये डिस्टॉर्शन आती है तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ में चेंजेस आएंगे, ठीक है, बॉन्ड लेंथ चेंज होगी दैट मीन्स सिमेट्री चेंज होगी, और यहाँ पे पॉइंट ग्रुप ऑक्टाहेड्रल से D4H में चेंज हो जाएगा टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन के बाद। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के केस में बॉन्ड लेंथ सेम ही रहती है, यहाँ पे चेंज आएगा बॉन्ड एंगल्स में, बॉन्ड एंगल्स चेंज होंगे और यहाँ पे भी पॉइंट ग्रुप चेंज हो जाएगा, टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप से D2D पॉइंट ग्रुप आ जाता है। स्क्वेयर प्लेनर ज्योमेट्री इस टाइप की डिस्टॉर्शन शो नहीं करती। अब नेक्स्ट हम जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देखेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। जब जॉन टेलर डिस्टॉर्शन आती है तो EG ऑर्बिटल्स एंड T2G ऑर्बिटल्स की डीजनरेसी रिमूव हो जाएगी, यहाँ पे EG ऑर्बिटल्स एंड T2G ऑर्बिटल्स की डीजनरेसी रिमूव होगी। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के केस में सारे बॉन्ड लेंथ सेम नहीं बचेंगी, पॉइंट ग्रुप में चेंज आ जाएगा, ऑक्टाहेड्रल से D4H पॉइंट ग्रुप हो जाएगा, सिमेट्री चेंज होगी। अब कंडीशंस क्या है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कौन से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस शो कर सकते हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जहाँ पे T2G ऑर्बिटल्स एंड EG ऑर्बिटल्स या तो T2G अनसिमेट्रिकली फिल्ड हो या फिर EG अनसिमेट्रिकल फिल्ड हो, वो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो करेंगे। जब EG ऑर्बिटल्स अनसिमेट्रिकली फिल्ड हैं तो इसके केस में आपको स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगी, स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगी, और अगर T2G ऑर्बिटल्स अनसिमेट्रिकली फिल्ड हैं तो इसके केस में वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगी। अब ये अनसिमेट्रिकली फिलिंग क्या होती है इलेक्ट्रॉन्स की, ये हम देखते हैं सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के लिए देखेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे D1 के लिए ये T2G ऑर्बिटल्स हैं, ये EG ऑर्बिटल्स हैं, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का केस हम देख रहे हैं। अगर मेटल आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो अब ये T2G ऑर्बिटल्स अनसिमेट्रिकली फिल्ड हैं। सिमेट्रिकली फिल्ड का क्या मतलब है कि सारे ऑर्बिटल्स में एक जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स हो, या एक एक इलेक्ट्रॉन हो या फिर दो दो इलेक्ट्रॉन्स हो। यहाँ पे T2G अनसिमेट्रिकली फिल्ड हैं, मतलब यहाँ पे
वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगी, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगी। डी टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए देखते हैं अब, ये टी टू जी ऑर्बिटल्स आगे, ये ई जी ऑर्बिटल्स आगे, ठीक है। अब इसके केस में भी आपको अनसिमेट्रिकल फिलिंग ही देखने को मिल रही है, टी टू जी ऑर्बिटल्स अनसिमेट्रिकली फिल्ड हैं, तो यहाँ पे भी वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगी, ठीक है। ये भी क्या होगी, वीक ही होगी। नेक्स्ट डी थ्री इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए देख लेते हैं। अब यहाँ पे आगे टी टू जी ऑर्बिटल, ई जी ऑर्बिटल्स, 1, 2, 3 सारे ऑर्बिटल्स में सिमेट्रिकली फिलिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, सिमेट्रिकली फिल्ड टी टू जी ऑर्बिटल्स हैं, मतलब डी थ्री इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के केस में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट एग्जांपल्स ले लेते हैं। अब डी फोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में टू टाइप के कॉम्प्लेक्सेस आपको देखने को मिलेंगे, हाई स्पिन एंड लो स्पिन। अगर हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की बात करें तो 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, टी टू जी आगे, ई जी आगे, ठीक है। यहाँ पे भी ये टी टू जी आगे, ई जी आगे, 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पे ई जी ऑर्बिटल्स अनसिमेट्रिकली फिल्ड हैं, अनसिमेट्रिकली फिल्ड हैं, और जब भी टी ई जी ऑर्बिटल्स अनसिमेट्रिकली फिल्ड होंगे तो स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगी, ठीक है। डी फोर लो स्पिन की बात करते हैं, 1, 2, 3 तो यहाँ पे आ गई ये 4। अब यहाँ पे टी टू जी ऑर्बिटल्स अनसिमेट्रिकल फील्ड हैं, मतलब जॉन टेलर डिस्टॉर्शन तो ये दिखाएगा बट यहाँ पे वीक होगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल्स ले लो डी फाइव हाई स्पिन के केस में, 1, 2, 3, 4, 5 इसके केस में अब ई जी ऑर्बिटल्स सिमेट्रिकली फील्ड हैं, टी टू जी ऑर्बिटल्स भी सिमेट्रिकली फील्ड हैं, तो यहाँ पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देखने को नहीं मिलेगी। डी फाइव लो स्पिन की बात करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है। टी टू जी ऑर्बिटल्स अनसिमेट्रिकली फील्ड हैं, तो यहाँ पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगी बट वीक होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं डी सिक्स हाई स्पिन। डी सिक्स हाई स्पिन 1, 2, 3, 4 हाई स्पिन है, 4, 5 एंड 6 यहाँ पे भी टी टू जी अनसिमेट्रिकली फील्ड है, मतलब यहाँ पे भी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगी बट वीक होगी। अब डी सिक्स लो स्पिन के केस में 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे टी टू जी सिमेट्रिकली फील्ड हैं, दैट मीन्स यहाँ पे अब जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट देख लो डी सेवन हाई स्पिन की बात करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ठीक है। 6, 7 टी टू जी ऑर्बिटल्स अनसिमेट्रिकली फील्ड हैं, तो यहाँ पे भी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगी बट वीक होगी। यहाँ पे भी वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगी, यहाँ पे भी वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है। डी सेवन लो स्पिन की बात करते हैं अब, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड ये आ गया आपके पास 7 ई जी ऑर्बिटल्स अनसिमेट्रिकली फिल्ड हैं, दैट मीन्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देखने को मिलती है, स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट देखो डी एट डी नाइन डी टेन के केस में हम हाई स्पिन लो स्पिन नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अब देखें डी एट के केस में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ पे सिमेट्रिकली फील्ड ई जी ऑर्बिटल्स हैं, सिमेट्रिकली फील्ड टी टू जी ऑर्बिटल्स हैं, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देखने को नहीं मिलेगी। डी नाइन की बात करते हैं हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड यहाँ पे आगे 9 ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ई जी ऑर्बिटल्स अनसिमेट्रिकली फील्ड है, तो यहाँ पे भी ई जी ऑर्बिटल्स अनसिमेट्रिकली फील्ड हैं, तो स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगी, स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगी। डी टेन के केस में सिमेट्रिकली फिलिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो यहाँ पे भी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देखने को नहीं मिलेगी। अब स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कौन कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिल रही है, एक आपके पास डी फोर हाई स्पिन सेकेंड आ रहे हैं आपके पास डी नाइन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले कॉम्प्लेक्सेस और डी सेवन लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस,
लो स्पिन, ये स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए होंगे, पूछा जाएगा कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कौन से कॉम्प्लेक्सेस शो करेंगे या कौन से कॉम्प्लेक्सेस स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो करेंगे, कौन से कॉम्प्लेक्सेस वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, कौन से कॉम्प्लेक्सेस हाई स्पिन है, कौन से लो स्पिन है। यहाँ पे फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के साथ हम शुरू करते हैं, कोबाल्ट प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, अमोनिया मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग लीगेंट है, तो यहाँ पे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी। कोबाल्ट प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी, D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। D6 लो स्पिन में आप देख सकते हो, आप T2G ऑर्बिटल्स में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे EG ऑर्बिटल्स भी यहाँ पे सिमेट्रिकल ही हैं, T2G ऑर्बिटल्स सिमेट्रिकली फिल्ड हैं, तो ये जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं दिखाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो कॉपर टू पॉजिटिव मतलब D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम हाई स्पिन लो स्पिन तो देखते नहीं हैं, यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। EG ऑर्बिटल्स अनसिमेट्रिकली फिल्ड है, मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे CR क्रोमियम प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्रोमियम प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वीक फील्ड लिगेंट है, तो यहाँ पे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही मिलेगा आपको। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्रोमियम प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो अगेन EG ऑर्बिटल्स अनसिमेट्रिकली फिल्ड होंगे, 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। EG ऑर्बिटल्स अनसिमेट्रिकली फिल्ड है, मतलब यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगी, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, निकल प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ पे आपको एक बात यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी कि निकल प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंट हो या फिर वीक फील्ड लीगेंट हो, ऑलवेज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही फॉर्म करता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो आपको इजीली पता चल जाएगा, प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्फ्यूजन होती है। तो निकल के केस में प्लस 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के केस में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की कॉम्प्लेक्सेस की ही फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, D7 आएगी प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड ये 7 EG ऑर्बिटल्स अनसिमेट्रिकली फिल्ड हैं, मतलब यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगी। तो देखो यहाँ पे आपको लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, जितने भी आपको जहाँ से भी कॉम्प्लेक्सेस मिलते हैं, कोई से भी बुक से एग्जाम्पल मिलते हैं ना, उनको ट्राई करो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे MN प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वाटर वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे आपको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मिलेगा। D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिमेट्रिकली फिल्ड EG ऑर्बिटल्स हैं, सिमेट्रिकली फिल्ड T2G ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आप लिख सकते हो, तो यहाँ पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे निकल प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है, प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में मतलब यहाँ पे तो हमें लीगेंट्स देखने की ज़रूरत ही नहीं है। कॉम्प्लेक्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो 3D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी। अगेन यहाँ पे भी आपको डायग्राम भी ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, आप इजिली बोल सकते हो T2G ऑर्बिटल्स सिमेट्रिकली फिल्ड होंगे, लो स्पिन है, T2G ऑर्बिटल्स सिमेट्रिकली फिल्ड होंगे। देखो यहाँ पे EG ऑर्बिटल्स में एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, मतलब इसके पास भी सिमेट्री है, और यहाँ पे T2G ऑर्बिटल्स में सिमेट्रिकली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो ये जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो नहीं करेगा। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो नहीं करें, उनको बोलते हैं हम आइडेंटिकल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इनके केस में क्या होगा, पॉइंट ग्रुप ऑक्टाहेड्रल ही रहेगा, यहाँ पे भी पॉइंट ग्रुप ऑक्टाहेड्रल ही रहेगा। जो कॉम्प्लेक्सेस जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो करते हैं वो आइडेंटिकली ऑक्टाहेड्रल नहीं रहेंगे, यहाँ पे सिमेट्री चेंज हो जाती है। यहाँ पे देखो एक्सियल बॉन्ड लेंथ एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ
सेम ही रहेगी, इक्वल ही रहेगी, बट एक्सियल की बॉन्ड लेंथ, एक्सियल बॉन्ड्स की जो बॉन्ड लेंथ होगी एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो इक्वल नहीं रहेगी। ये मैं एग्जांपल लेके बताऊंगी तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट ग्रुप क्या आ जाता है, इसलिए D4H पॉइंट ग्रुप आ जाता है। जहाँ पे भी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो होगी वहाँ पे पॉइंट ग्रुप आ जाएगा D4H। आप इजिली लिख सकते हो यहाँ पे भी D4H, यहाँ पे पॉइंट ग्रुप ऑक्टाहेड्रल ही रहेगा। कॉम्प्लेक्सेस विच डू नॉट शो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन उनको हम आइडेंटिकली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हमने दो टाइप्स की देखी, स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन एंड वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। अब कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे होते हैं जो अंडर ऑल कंडीशंस जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो करेंगे ही करेंगे, चाहे टेम्परेचर ज़्यादा हो या टेम्परेचर कम हो। इस टाइप के डिस्टॉर्शन को बोलते हैं स्टैटिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी। और कौन से कॉम्प्लेक्सेस स्टैटिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देंगे, जो स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो कर रहे हैं, जैसे D4 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, D7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले कॉम्प्लेक्सेस स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो करते हैं। आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है, आपके पास कॉम्प्लेक्सेस दिया होगा, कौन से कॉम्प्लेक्सेस स्टैटिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो कर रहे हैं। और आपको डायनेमिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन भी देखने को मिल सकती है। डायनेमिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, टेट्रागोनल इलोंगेशन एंड टेट्रागोनल कंप्रेशन इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। ये क्या है आप थोड़ी देर में डिटेल में हम पढ़ेंगे। कौन से कॉम्प्लेक्सेस डायनेमिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो कर सकते हैं, D1 जो वीकली जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो करे एंड D6, ये एग्जाम्पल्स आपकी रेफरेंस बुक्स में दिए हुए हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, ये क्यों टेम्परेचर डिपेंडेंट है और ये क्यों टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन जो कॉम्प्लेक्सेस शो करते हैं वहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की वैल्यू इंक्रीज होती है। अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का और D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन एंड वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन वाले कॉम्प्लेक्सेस का। D9 में EG ऑर्बिटल्स अनसिमेट्रिकली फिल्ड होंगे, मतलब स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन हो रही होगी। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज करने के बाद ये वाला इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हो सकती है EG ऑर्बिटल्स में। अब इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन के बाद EG ऑर्बिटल सिमेट्रिकली फिल्ड हैं और T2G अनसिमेट्रिकल है, मतलब वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में जा रहा है ये। इसीलिए जो स्टैटिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है या फिर स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन जो कॉम्प्लेक्सेस शो कर रहे हैं वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगे। वो स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन से वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में जाना नहीं चाहेंगे। अगर हम D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसके केस में क्या होगा कि जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो T2G ऑर्बिटल से EG ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन होगी, मतलब यहाँ पे वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन से स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हो सकती है। इसीलिए ये क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। अब जो कॉम्प्लेक्सेस डायनेमिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो करते हैं उनकी आपके रेफरेंस बुक में ये दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ये D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का है, ये D6 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला एग्जांपल है, ये आपको ध्यान में रखने होंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। दो टाइप की जॉन टेलर डिस्टॉर्शन आपको देखने को मिल सकती है, जो मैंने आपको बताया था टेट्रागोनल इलोंगेशन, टेट्रागोनल कॉम्प्रेशन, ठीक है। टेट्रागोनल इलोंगेशन में आफ्टर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन यहाँ पे क्या हो रही है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हो रही है। तो टेट्रागोनल इलोंगेशन में क्या होगा, दो बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे ये जो एक्सियल पोजीशंस पे बॉन्ड्स हैं, लीगेंड्स हैं, इनकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है। इनकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल है, ऑल बॉन्ड लेंथ इक्वल है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के केस में। अब टेट्रागोनल इलोंगेशन में क्या होगा,
टू जो ये एक्सियल बॉन्ड्स हैं, एक्सियल बॉन्ड्स, इनकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। और टेट्रागोनल कॉम्प्रेशन के केस में क्या होगा, यहाँ पे फोर लिगेंड्स की बॉन्ड लेंथ जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है उनकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी और ये वाली बॉन्ड लेंथ अब वैसे ही रही, ये वाली बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई। यहाँ पे फोर लिगेंड्स के साथ बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब इन दोनों से कौन सा फेवरेबल होता है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इन ऑक्टाहेड्रल देख रहे हैं, टेट्रागोनल इलोंगेशन फेवरेबल होगा या टेट्रागोनल कॉम्प्रेशन फेवरेबल होगा। यहाँ पे देखो फोर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, दैट मींस इसके लिए ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी, रिक्वायर्ड मोर एक्टिवेशन एनर्जी। और यहाँ पे सिर्फ दो ही बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही हैं, मतलब इसके लिए कंपैरेटिवली लेस एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी, तो ये जो है टेट्रागोनल इलोंगेशन ये मोर फेवरेबल होता है, ये मोर फेवरेबल होता है। इसको हम जी आउट केस भी बोलते हैं, जी एक्सिस के थ्रू जो लीगेंट्स हैं, अब जी एक्सिस के थ्रू जो लीगेंट्स हैं उनकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, इसलिए इसको जी आउट केस बोलेंगे, जी आउट। एंड ये आपके पास आ गया जी इन, ठीक है। अब इनकी हम क्रिस्टलफील्ड स्प्लिटिंग डायग्राम्स ड्रॉ करके देखेंगे जी आउट के लिए एंड जी इन के लिए। तो सबसे पहले देखो ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या होगा, वही आपके पास टी टू जी ऑर्बिटल्स लोअर एनर्जी पे प्रेजेंट होंगे, या आपके पास डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी, या आगे आपके पास डी वाई जी इज इक्वल टू डी जी एक्स, और यहाँ पे आ जाएंगे डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू डी जी स्क्वेयर। अब हम जेड आउट केस देखते हैं, देखो जेड आउट के केस में क्या है कि जो लीगेंट जी एक्सिस के थ्रू हैं, जो लीगेंट जी एक्सिस के थ्रू हैं, जी एक्सिस के थ्रू जो लीगेंट्स हैं उनकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है। अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है मतलब ये दोनों लीगेंट्स लेस इंटरैक्ट हो रहे हैं मेटल के साथ, अगर ये इनकी इंटरैक्शन लेस है तो मतलब इनकी एनर्जी भी लेस होगी, यहाँ पे रिपल्शन लेस होगी और एनर्जी भी क्या होगी, लेस होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब जी एक्सिस के थ्रू जो भी लिगेंड्स होंगे, जो भी ऑर्बिटल्स होंगे उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, और यहाँ पे आ जाएगा डी जी स्क्वेयर। लाइकवाइज यहाँ पे भी जी एक्सिस के थ्रू जो भी लीगेंट्स हैं उनकी एनर्जी, ऐसे ऑर्बिटल्स जहाँ पे जी कंपोनेंट है उनकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, वाई जी इज इक्वल टू डी जी एक्स आ गया यहाँ पे, ठीक है। और ये आ गया आपके पास डी एक्स वाई। अब हम केस देख लेते हैं जेड इन वाला, जेड इन के केस में क्या है, अब जो जी एक्सिस के थ्रू लीगेंट्स हैं वो स्ट्रांगली इंटरैक्ट कर रहे हैं मेटल के साथ, ठीक है। यहाँ पे ये जो टू लीगेंट्स हैं ये स्ट्रांगली इंटरैक्ट कर रहे हैं मेटल के साथ, अगर स्ट्रांगली इंटरैक्ट कर रहे हैं मेटल के साथ मोर रिपल्शन होगी और इनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम डायग्राम ड्रॉ करके देख सकते हैं जेड इन के केस में और कॉम्प्रेशन के केस में, टेट्रागोनल कॉम्प्रेशन के केस में। इनको क्रैम करने की जरूरत नहीं होती, बस आपको यहाँ पे तो इजीली पता चल जाएगा कि यहाँ पे जी एक्सिस के थ्रू जो भी ऑर्बिटल्स हैं, ऐसे ऑर्बिटल्स जिनमें z कंपोनेंट प्रेजेंट है उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, तो यहाँ पे डी जी स्क्वेयर आ जाएगा, यहाँ पे डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर आ गया, यहाँ पे डी वाई जी इज इक्वल टू डी जी एक्स आ जाएगा, एंड यहाँ पे डी वाई एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास z इन केस। टेट्रागोनल इलोंगेशन में क्या हो रहा है, आप देखो टू बॉन्ड्स यहाँ पे इलोंगेट हो रहे हैं
और अगर टू बॉन्ड्स इलोंगेट हो रहे हैं तो इसके लिए लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। टेट्रागोनल इलोंगेशन के केस में ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जो टेट्रागोनल इलोंगेशन डिस्टॉर्शन शो करते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अब कौन से कॉम्प्लेक्सेस टेट्रागोनल इलोंगेशन या जी आउट वाला केस शो करेंगे? जो स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो कर रहे हैं, जो स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो कर रहे हैं, जैसे कि आपके पास D9, D4 हाई स्पिन, D7 लो स्पिन। अब यहाँ पे कौन से ऑर्बिटल हायर एनर्जी पे है, कौन से लो एनर्जी पे हैं और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको ध्यान में रखनी होगी। Zn के केस में टेट्रागोनल कंप्रेशन होती है, यहाँ पे फोर बॉन्ड्स इलोंगेट होंगे। अगर फोर बॉन्ड्स इलोंगेट हो रहे हैं तो इसके लिए मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अब ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जो टेट्रागोनल कंप्रेशन शो करते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं इसके कंपैरिजन में, ठीक है। कौन से कॉम्प्लेक्सेस टेट्रागोनल कंप्रेशन वाली डिस्टॉर्शन शो करेंगे? जहाँ पे D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, D6 हाई स्पिन, मतलब जो वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है, वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन जहाँ पे हो रही है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब CuH2O6 पॉजिटिव, ये ESR एक्टिव है या नहीं है? ESR एक्टिव चेक करने के लिए हमें देखना पड़ता है कि कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या नहीं है। कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, दैट मीन्स यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। अगर प्रेजेंट है तो ये ESR एक्टिव होगा, ये ESR एक्टिव होगा, ठीक है। और कौन से टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं? देखो, ये वाला कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि यहाँ पे ज्योमेट्रिकल डिस्टॉर्शन होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D9 आ रही है, मतलब EG ऑर्बिटल्स अनसिमेट्रिकली फिल्ड होंगे। अगर EG ऑर्बिटल्स अनसिमेट्रिकल फिल्ड हैं तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो T2G6EG3, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगी। अगर स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हो रही है तो कौन सा वाला केस होगा? ये जी आउट वाला केस होगा, जी आउट वाला केस है, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूछा जा सकता है आपसे कि हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल कौन सा है, हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल कौन सा है, ठीक है। या फिर आपसे पूछा जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी जा सकती है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, कौन से ऑर्बिटल में जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ठीक है। सो ये सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब आपको यहाँ पे जी आउट का केस पता लग गया ना, तो इसका आप क्रिस्टोफेल्ड स्प्लिटिंग डायग्राम बना सकते हो। जी आउट के केस में जो जी कंपोनेंट वाले ऑर्बिटल्स होंगे उनकी एनर्जी कम होगी, ये हमने डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होगी वो देख लेते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हाई स्पिन की तरह होती है, 1, 2, then 3, then 4, then 5, उसके बाद ये आपके पास 6, then 7, then 8, and then 9। यहाँ पे देखो D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर कर रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है DZ स्क्वेयर में, ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे DX स्क्वेयर माइनस Y स्क्वेयर में नहीं एंटर कर रहा है, DZ स्क्वेयर में ये 9th इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है। हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल कौन सा है, DX स्क्वेयर माइनस Y स्क्वेयर है। हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल कौन सा है, DX स्क्वेयर माइनस Y स्क्वेयर है। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर कर रहा है, DZ स्क्वेयर में एंटर कर रहा है, ठीक है। अब ये गेट में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। जब हम ESR के बारे में पढ़ेंगे तो जी पैरेलल और जी परपेंडिकुलर के बारे में आपको अच्छे से बताऊंगी, ठीक है। अभी के लिए बस आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर जी पैरेलल ग्रेटर देन जी परपेंडिकुलर है तो ये कौन सा केस होगा, ये केस होगा जी आउट वाला। और अगर जी परपेंडिकुलर ग्रेटर देन जी पैरेलल दिया हुआ है तो ये जी इन वाला केस है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। इससे क्वेश्चन बना हुआ था, क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछा गया था कि ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है और यहाँ पे आपको कंडीशन दी हुई है जी परपेंडिकुलर ग्रेटर देन जी पैरेलल है, हमें बताना है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। अगर आपको ये वाली सिचुएशन पता नहीं है तो आप यहाँ पे जी आउट वाला केस लगा दोगे और क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। ये किसके लिए कंडीशन होती है,
जी इन के लिए, और जी इन के लिए अब हम स्प्लिटिंग एनर्जी डायग्राम, क्रिस्टोफेल स्प्लिटिंग एनर्जी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे जी एक्सिस के अलोंग जो भी लीगेंड्स हैं वो स्ट्रांगली इंटरैक्ट करेंगे मेटल के साथ, मतलब ऐसे ऑर्बिटल्स जिनमें जी कंपोनेंट है उनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे ये डी जी स्क्वेयर आ जाएगा, यहाँ पे ये डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर आ जाएगा, यहाँ पे ये आ गया डी एक्स जी इज इक्वल टू डी वाई जी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास डी एक्स वाई। इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं अब यहाँ पे हम, यहाँ पे आ जाएगा वन, देन टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन। और यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, डी जी स्क्वेयर, कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, डी जी स्क्वेयर। ठीक है, तो अब क्वेश्चन कैसे भी पूछे जा सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट पता है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट, अब हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है CrH2O, ये कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, Cr2 पॉजिटिव में है, D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी। अब यहाँ पे आपके पास कोई कंडीशन नहीं दी हुई है, तो आप क्या देखोगे कि ये D4 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। अगर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पे EG ऑर्बिटल्स अनसिमेट्रिकली फिल्ड होंगे, स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो करेगा, स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो कर रहा है। तो इसके केस में क्या होता है, अब ये जी आउट वाला केस है, जी आउट वाला केस है मतलब यहाँ पे टू जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं वो लॉन्गर होंगे और इक्वेटोरियल बॉन्ड से। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, टू एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन फोर इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, तो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे हमें बताना है कौन सा कॉम्प्लेक्स टेट्रागोनल कॉम्प्रेशन शो करेगा, कौन सा कॉम्प्लेक्स टेट्रागोनल इलोंगेशन शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं, निकल प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा, निकल प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट D7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में निकल हर लीगेंड के साथ चाहे वीक फील्ड हो या स्ट्रॉन्ग फील्ड हो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। अगर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाया रहा है, D7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ पे EG ऑर्बिटल्स अनसिमेट्रिकली फील्ड होंगे। अगर EG ऑर्बिटल्स अनसिमेट्रिकली फील्ड हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी, T2G6EG1, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देखने को मिल रही है, तो ये कौन सा केस होगा, ये जी आउट वाला केस होगा। जी आउट वाला केस है, दैट मीन्स यहाँ पे टेट्रागोनल इलोंगेशन होगी, यहाँ पे क्या है, टेट्रागोनल इलोंगेशन होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे OSR है प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट में, प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है, मतलब यहाँ पे D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब इसके केस में ये जी आउट है या जी इन है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखो, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ओ होगा, डबल बॉन्ड ओ होगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आएंगे आपके पास सिंगल बॉन्ड वाटर लिगेंड है, H2O आ गया, H2O। अब सिंगल बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड लेंथ, तो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख के बोल सकते हो कि ये कौन सा केस है, टेट्रागोनल कॉम्प्रेशन वाला केस है, टेट्रागोनल कॉम्प्रेशन वाला केस है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देखेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। यहाँ पे बॉन्ड एंगल्स चेंज होते हैं, सिमेट्री चेंज होगी, टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप से D2D पॉइंट ग्रुप आता है। ठीक है, अब अगर T2 ऑर्बिटल्स अनसिमेट्रिकली फील्ड है तो स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन उल्टा केस है इसका, वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, यहाँ पे तो सारे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस ही मिलते हैं, यहाँ पे अनसिमेट्रिकली फील्ड है, वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। यहाँ पे D2 के केस में ये सिमेट्रिकल फील्ड है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगी।
इसके केस में अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगी, स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगी, टी टू अनसिमेट्रिकली फील्ड है, ठीक है। यहाँ पे फोर के केस में भी स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगी, यहाँ पे फाइव के केस में अब जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगी। अगर हम डी सिक्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये भी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो करेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 ये शो नहीं करेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो करेगा। 9 देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये भी स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो करेगा और ये जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, हमें बताना है कि ये जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो करेगा या नहीं। सबसे पहले आपको ज्योमेट्री चेक करनी है, यहाँ पे ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल आ रही है या नहीं आ रही है, ये ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल शो करेगा। उसके बाद हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। यहाँ पे T2 एंड E सिमेट्रिकली फील्ड है तो ये जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो नहीं करेगा, ठीक है। आपके पास कोई इस तरह का कॉम्प्लेक्स भी दिया जा सकता है, तो पहले आपको ज्योमेट्री चेक करनी होगी। यहाँ पे ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल आएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू आ रही है, D9 कॉन्फ़िगरेशन है तो ये जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो करेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। एप्लीकेशंस में बेसिकली यहाँ पे पूछा जाएगा कि कौन सा कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा, कौन सा लेस स्टेबल होगा, ठीक है। जो जर्नल स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इन डायवेलेंट मेटल में, वो ये वाला ऑर्डर फॉलो करती है। इसको इरविंग विलियम सीरीज बोला जाता है। इस सीरीज को आप याद कैसे करोगे, जैसे आपके पास ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम आएगा, कैल्शियम के बाद स्ट्रॉन्शियम, देन आपके पास बेरियम, ठीक है। तो बेरियम से ये सीरीज शुरू होती है, बेरियम का जो कॉम्प्लेक्स होगा उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। यहाँ पे हम मैग्नीशियम तक जाएंगे, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम ग्रुप में, मैग्नीशियम तक जाएंगे। यहाँ पे M है, ये M है, M के बाद हम Mn से शुरू करेंगे और उसके बाद हमारे पास ये एटॉमिक नंबर 25, एटॉमिक नंबर 26, एटॉमिक नंबर 27, एटॉमिक नंबर 28, एटॉमिक नंबर 29 एंड ये 30 एटॉमिक नंबर आ गया। अब यहाँ पे कॉपर वाले जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। ये स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा क्यों हो रही है, क्योंकि कॉपर देखो D9+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में होगा, D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ये शो करेगा। अगर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो कर रहा है तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब हम डिफरेंट केसेस देखेंगे, इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं। ये आपके पास ट्रांस कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे आ गया आपके पास वाटर प्लस, यहाँ पे भी ये D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे भी D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ये शो करेगा, ठीक है। अब स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे, अगर दोनों में ही जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हो रही है तो इसके केस में कैसे स्टेबिलिटी चेक करेंगे, हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसका भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करो अब CU। अब ये हमारे पास बायडेंटेट लीगेंट है, बायडेंटेट लीगेंट मेटल के साथ 5 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पे ये EN आएगा, EN आ जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ बाइंडिंग होगी, ठीक है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ये भी। अगर हम इस कॉम्प्लेक्स को ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो, अब ये बायडेंटेट लीगेंट है, अगर एक बॉन्ड इलोंगेट होता है, ये वाले बॉन्ड्स इलोंगेट होते हैं ना, Z आउट वाला केस होगा, ये वाला बॉन्ड इलोंगेट होता है तो यहाँ पे स्ट्रेन आएगा रिंग में, अगर रिंग में स्ट्रेन आएगा तो ये लेस स्टेबल होगा, बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पे। तो अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखो, स्ट्रक्चर ड्रॉ करके उसमें पॉसिबिलिटीज़ देखो क्या क्या हो सकती है। यहाँ पे एक वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड लॉन्ग होगा, ये वाला बॉन्ड इलोंगेट होगा, ये तो उतना ही रहेगा,
ठीक है, मतलब यहाँ पे एक बॉन्ड इलोंगेट हो रहा है रिंग में, एक नहीं हो रहा है, तो जिसकी वजह से रिंग स्ट्रेन आ रहा है तो ये स्टेबल नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो ट्रांसपोजिशन पे तो रिंग प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये इजिली इलोंगेट हो सकते हैं, मतलब ये वाला कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं। यहाँ पे ये सिस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सिस है, तो सिस के केस में अब जो अगेन स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बता ही देती हूँ मैं आपको, ये आपके पास EN आ जाएगा, यहाँ पे ये EN आ गया, एंड यहाँ पे अब आपके पास वाटर है, उसके लिए मैंने AA लिख दिया। अब अगेन रिंग वाले बॉन्ड्स इलोंगेट हो रहे हैं सिस के केस में, और यहाँ पे ट्रांस के केस में यही वाला केस होगा, इजिली बॉन्ड इलोंगेट हो जाएंगे, तो इसलिए ये वाला केस लेस स्टेबल होगा, ये वाला कॉम्प्लेक्स लेस स्टेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। अब इसके केस में सबसे पहले आपको देखना होगा कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हो रही है या नहीं हो रही है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऊपर वाले केसेस देख रहे हैं, इसको सीधा बोल दो कि ये लेस स्टेबल है, पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो Ni+2, तो ये D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन तो ये शो ही नहीं करेगा। अगर हम इसकी बात करें Ni+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये हाई स्पिन या लो स्पिन की तो कोई बात ही नहीं होगी, यहाँ पे सिमेट्रिकली फील्ड है, तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन तो यहाँ पे शो ही नहीं होगी। तो यहाँ पे हम कैसे चेक करेंगे स्टेबिलिटी, कि अगर चिलेटिंग लीगेंड्स ज़्यादा हैं, ठीक है, चिलेशन ज़्यादा हो रही है, रिंग्स ज़्यादा हैं, तो मोर स्टेबिलिटी होगी। तो इस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट, अब इस लेक्चर को मैं यहीं पे फिनिश कर रही हूँ।